गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हम लोग पढ़ रहे थे ग्रामर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। हमने बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। हमने बताया था कि डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। तो वक्ता की कही हुई बातों का ज्यों का त्यों कहना, उसको डायरेक्ट नरेशन कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन उसे कहते हैं कि वक्ता की कही हुई बातों को ज्यों का त्यों न कहकर उसको अपने शब्द में कह देना, उसको हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन के दो भाग, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग जो वर्ब होता है वह इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। ठीक है बेटा, इसके बाद हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए हम 5 सेंटेंस का बनाते हैं। कितने सेंटेंस का? 5 सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला था एसेंटिव सेंटेंस, दूसरा इंटोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। ये 5 सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हम पढ़ेंगे एसेंटिव सेंटेंस। तो एसेंटिव सेंटेंस में हमने कल बताया था कि एसेंटिव सेंटेंस की नरेशन बनाने के लिए एसेंटिव सेंटेंस में सबसे पहले रूल आपका होता है टेंस में नियम संबंधी, टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम, टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम। तो टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम में हमने कल बताया था कि टेंस में परिवर्तन संबंधी में 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम यह होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा बताए थे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब 5 टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के वर्ब को क्या करते हैं, 5 टेंस में बदल देते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब 5 टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच को किसे बदल देंगे, 5 टेंस में बदल देंगे। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे? हमने आपको कल बताया था ओरली पूरे प्रेजेंट टेंस को पास्ट में बदल दिया। मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते। पूरे प्रेजेंट को पास्ट में बदल दिए, उसके बाद पास्ट को कैसे बताए थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट को और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा, नो चेंज। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत? अब आ गया, अब इसमें अब कैसे बदलेंगे, तो हम एक चार्ट के माध्यम से हम आपको बनाएंगे। आप इसको एक चार्ट है, इसी चार्ट से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को कैसे हम चेंज करेंगे। यही चार्ट अगर हम इसको याद कर लें, ठीक है, तो हम पूरा एसर्टिव सेंटेंस हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन हम आसानी से बना सकते हैं। तो ऐसा कब होगा, ये रूल को कब चेंज करेंगे, ये रूल को कब चेंज करेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में होगा, 5 टेंस में होगा, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम कैसे क्या करेंगे, बदलेंगे। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे, एक चीज ध्यान देंगे, मुझे देखिए डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, उस पर आइए। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस या डज या डू दिया हो तो हम उसको वर्ब का सेकेंड फॉर्म बना देंगे, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट हो। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगर डायरेक्ट में इज एम आर हो और उसके साथ आई एन जी हो, हम उसको उसके जगह पे वाज वर्ब प्लस आई एन जी लिख देंगे। ठीक है, तीसरा अगर हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट। अब देखिए
हैज बीन और हैव बीन, ये किस टेंस में होता है? ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। इसमें होगा अगर हैज बीन होगा या हैव बीन होगा, यहाँ हो जाएगा हैड बीन हो जाएगा, प्लस वर्ब की फॉर्म में आई होगा, ठीक है। अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा या डिड होगा तो हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। अगर वाज वर्ब प्लस आई एन डी होगा तो हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आई एन डी। अगर डज नॉट होगा या डू नॉट होगा तो क्या हो जाएगा? वहां डिड नॉट होगा, ठीक है। अगर डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो हैड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर डायरेक्ट में हैड हैड होगा या हैड बीन होगा तो नो चेंज, ठीक है। अगर विल सैड कैन में वांट होगा तो विल को वुड में, सैड को शुड में, कैन को कुड में को माइट में और वांट को वांटेड में क्या कर देंगे? बदल देंगे, ठीक है। विल कुड शुड कुड माइट वांटेड मस्ट यूज टू अगर रहेगा तो इसमें क्या हो जाएगा? नो चेंज, ठीक है। अब एक कब होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में होगा? पास्ट टेंस, ठीक है। अब इसको अब एग्जांपल के सहायता से अब इस रूल को हम उसको देखेंगे और उसको समझेंगे क्या होगा, ठीक है।